नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बाबा राष्ट्रीय न्यूज में। अब नए नए खबरों से रूबरू होते हैं। ये खबर है धनबाद की। सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों का नाम के साथ भेजे सुझे उपायुक्त। सभी सीओ अपने अपने अंचल में सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वाले का नाम, जमीन का खाता नंबर, प्लॉट संख्या, रकवा तथा कर्मचारी या सर्किल इंस्पेक्टर लॉगिन में कितने दाखिल खारिज के आवेदन लंबित या अस्वीकृत है कि सूची जिला मुख्यालय को शुक्रवार तक उपलब्ध कराएं। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध दायर केस की अद्यतन स्थिति, अंचल में सरकारी तालाब की सूची और उसके अतिक्रमण की स्थिति भी उपलब्ध कराएं। अदालत में दायर मामलों के लिए हर सप्ताह विधि शाखा गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर से मिलकर जानकारी लें, अपडेट रहें। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर हर केस में अपनी टिप्पणी अवश्य दें। उपरोक्त बातें आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री संदीप सिंह ने समाहरणालय में सभागार में जिला राजस्व शाखा की समीक्षा करने के दौरान कही। ऑनलाइन दाखिल खारिज की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों को आवेदन में अपना मोबाइल नंबर नहीं देकर आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने का निर्देश दिया है। आवेदन में प्रज्ञा केंद्र संचालक का मोबाइल नंबर होने के कारण दाखिल खारिज की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तविक आवेदक तक SMS नहीं पहुंचता है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान उपायुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामले, राजस्व न्यायालय, अवैध जमाबंदी, ऑनलाइन लगान, भूमि सीमांकन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, भू अर्जन से संबंधित लंबित मामले, भूमि हस्तांतरण, PG पोर्टल इत्यादि की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त श्री संदीप सिंह, अपर समाहर्ता डॉक्टर कुमार ताराचंद, DCLR श्री सतीश चंद्रा, GP श्री अमरेंद्र सहाय, AGP श्री विजय स्वामी, IT मैनेजर श्री रूपेश मिश्र और सभी अंचल के अंचलाधिकारी मौजूद थे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।